आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मीठा अचार। आम का मीठा अचार बनाने के लिए चाहिए कच्चा आम, गुड़, सौंफ, साबुत सौंफ, भुनी जीरा पाउडर, जिंजर पाउडर, काला नमक, देसी घी। अब इसे बनाना कैसे है मैं आपको बताऊंगी। गैस पर एक फ्राइंग पैन रखेंगे। फ्राइंग पैन में इसलिए बना रहे हैं कि इसमें आम जो गुड़ डालने से चिपकता नहीं। एक छोटा चम्मच मैंने देसी घी डाला है और अब गैस को ऑन कर देंगे। तो छोटा चम्मच ही देसी घी डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। देखिए घी गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ मोटी वाली डालना। और जैसे ही ये चटकने लगे ठीक है इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए। इसे चलाते रहिए, लगभग इसको आधा मिनट बस घी में इस तरह से चलाते हुए पकाना है। देखिए चटकने लगा। अब ये 250 ग्राम आम है, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुड़, जितना आम रहता है उतना ही गुड़ लेना रहता है। मीठा अचार बनाने के लिए आप कच्चे आम जो अभी सब मुलायम वाले आए हैं जिसके अंदर दुखली नहीं पड़ी है ज़्यादा मोटी वाली, वैसे ही आम लेंगे। गैस की आंच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट चलाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये एक छोटा चम्मच भुनी जीरा पाउडर है, एक छोटा चम्मच जिंजर पाउडर है और एक छोटा चम्मच है काला नमक। यदि आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके डाल सकते हैं। जिस समय सौंफ डालें उसी समय आप डाल दीजिए। इसको इसे चलाएंगे और ये देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। देखिए आम इस तरह वाला आपको चाहिए, यदि आसानी से जो कट जाए ये वाली गुठली रहेगी परंतु जो कड़ा वाला हिस्सा होता है टाइट वाला वो नहीं होना चाहिए। और उसे तो देखिए कितनी आसानी से ये पतला पतला कट जा रहा है। ऐसा वाला आम होना चाहिए मीठा अचार बनाने के लिए। देखिए गुड़ भी पिघलना शुरू हो गया है और उसे हम ढक्कन से ढक देते हैं और धीमी आंच में 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। गुड़ एकदम मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। देखिए अब इसका फ्राइंग पैन का ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं गुड़ पिघला है कि नहीं। देखिए गुड़ बिल्कुल पिघल गया है। अब इसको हम इस गैस को बंद कर देंगे और आधे घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका कलर गुड़ के ऊपर आ जाए आम का। और तब उसके बाद उसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए आधे घंटे हो गए हैं। अब हम फ्राइंग पैन का ढक्कन हटा के देखते हैं कि अचार और गुड़ के क्या स्थिति है। ये गुड़ और अचार बिल्कुल पिघल कर इस तरह का ब्राउन हो गया है। अब इसे हम गैस को ऑन करेंगे तेज आंच में 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे। आधे घंटे छोड़ने से ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इस अचार को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाहर रखेंगे तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखेंगे तो 5 से 6 महीने तक ये अचार खराब नहीं होता है। गुड़ का अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। देखिए तब खोल आने लगी और इसमें देखना इसकी चाशनी इस तरह से तो हल्की सी पतली ही रहती है, बहुत गाढ़ी निकलना रहता है। ठीक है अच्छी तरह खोल गया है। अब यह अचार बनकर तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकालते हैं। इसमें इतना
रस हमें रखना है, ये बिल्कुल गुड़ के रस में डूबा रहना चाहिए। गुड़ वाला आम का मीठा अचार बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।